नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। खंडवा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या और हिंसा के विरोध में खंडवा शहर के भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल, विधायक देवेंद्र वर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष हरीश कोटवाली, राजेश डोंगरे, अरुण सिंह मुन्ना, राजेश तिवारी, रामगोपाल शर्मा, पन्ना गुप्ता, कैलाश राठौर, दिनेश पालीवाल, मंडल अध्यक्ष सुधांशु जैन, गणेश गुरवानी, जीवन ढिंडोरे, प्रवीण पांडे, नानू बाबा प्रवक्ता सुनील जैन, दीपक पाटिल, सारंग उपाध्याय आदि ने कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ धरना प्रदर्शन किया। यह जानकारी भाजपा के नगर मीडिया प्रभारी भारत पटेल के द्वारा दी गई। जनता के निर्णय को निर्धारित हम करते हैं और निश्चित ही जो पश्चिम बंगाल का परिणाम आया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत करी लेकिन हम कुछ वोटों के प्रतिशत से नीचे रह गए। लेकिन आज हमारी जो टीएमसी की सरकार बनी है वो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार, अलंकार और इस प्रकार की लूट कसोट, इस प्रकार के जो कुकृत्य हो रहे हैं उसके खिलाफ देशव्यापी भारतीय जनता पार्टी का धरना कार्यक्रम किया गया। आज हम हमारे जिला मुख्यालय पे हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे लगभग 20 कार्यकर्ता की उपस्थिति में हमने ये आंदोलन करने जा रहे हैं। हम कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं, हमारा देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री रात दिन उसकी तैयारियों को लेकर जनता की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है और निश्चित ही हम इस प्रकार से पूरा प्रयास करें इस प्रकार हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रहे और साथ ही साथ हमारा देश सुरक्षित रहे। लेकिन एक गलत राजनीति से प्रेरित होकर वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार इसकी घोर निंदा करता है। निश्चित ही आने वाले समय में अगर इस प्रकार की घटना होती रही, हम राष्ट्रपति के माध्यम से एक अपील करेंगे उस सरकार को बर्खास्त करें और राष्ट्रपति शासन लागू करें और कहीं ना कहीं जो जनता पर अत्याचार हो रहे हैं उसे रोका जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। हमारे खंडवा के लोकप्रिय विधायक खंडवा से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ दीपक चाबरी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।